नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन का किरदार लोगों के जहन में आज भी बसा हुआ है। फिल्म की स्टोरी लाइन में हर कलाकार को इतने बेहतरीन से गढ़ा गया था कि दर्शकों को फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। यही कारण है कि अब लोगों को फिल्म के सेकेंड पार्ट यानी कि पुष्पा द रूल का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में पुष्पा के सामने नेगेटिव किरदार में भंवर सिंह शेखावत यानी कि फहद फासिल को दिखाया गया था। भाई फहद के किरदार को भी काफी तारीफें मिली थी, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस किरदार के लिए साउथ के एक बड़े एक्टर को प्रस्ताव दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म पुष्पा के दूसरे भाग का बीते दिनों टीजर जारी किया गया था। सुकुमार निर्देशित इस फिल्म में अब इंटरनेशनल मार्केट में तस्करी और पुष्पा को दिखाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पहली फिल्म की ही तरह दूसरे भाग में भी कई कलाकार शामिल होंगे। फिल्म के पहले भाग में फहद फासिल ने भंवर सिंह शेखावत के किरदार के जरिए कहानी को और रोचक बना दिया था, लेकिन दोस्तों इस किरदार के लिए निर्देशक ने पहले विक्रम एक्टर को अप्रोच किया था। जी हाँ दोस्तों, कमल हसन की फिल्म विक्रम यदि अगर आपने देखी है तो आपको संधानम का किरदार और उसकी धांसू एंट्री याद होगी। हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति की। कई हिट फिल्में देने वाले विजय सेतुपति ने विक्रम में डिफरेंट किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया था। फिल्म में उन्होंने कमल हसन को टक्कर दी थी और वो अपने किरदार में खूब फबे थे। फिल्म पुष्पा में भी भंवर सिंह शेखावत के किरदार के लिए सबसे पहले उनसे ही बात की गई थी, लेकिन दोस्तों डेट्स इशू के कारण वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके थे। यदि दोस्तों वो इस फिल्म को करते तो शायद पुष्पा फिल्म की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाती। दोस्तों बता दें कि विजय सेतुपति जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में भी नजर आएंगे। नयनतारा और शाहरुख खान की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म जून में रिलीज होगी। इसके अलावा विजय कैटरीना कैफ के साथ फिल्म मैरी क्रिसमस में भी नजर आएंगे। दोस्तों पुष्पा द रूल की शूटिंग काफी कुछ हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म दिसंबर या फिर 2024 की शुरुआत में रिलीज होगी। आपको पुष्पा का कितना इंतजार है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी ले जो आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।